नित्यानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वदी साक्षीभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं नमामि। नित्यानंदम। मेरा नाम श्री नित्य सनातनानंदा है। मैं श्वेतल व्यास हूँ, गुजरात से है और थोड़ा सा बैकग्राउंड। मैं उन्तु शाह बांग्लादेश से हूँ। वापस लौट। मैं उन्तु शाह बांग्लादेश से हूँ और मैं गुजरात से हूँ। गुजरात। तो अब ये दो जो नव दुर्गा के जो नव रूप होते हैं उसमें से आज दो दुर्गाओं का मैं यहाँ पे इंटरव्यू ले रहा हूँ, तो मुझे बहुत सौभाग्य की बात लग रही है कि आज और दूसरा ये गुजरात से है और ये माँ बांग्लादेश से, माँ उतुल ओंतु का मतलब क्या होता है माँ? ओंतु का मतलब जो दिल छू जाता है। दिल से दिल छू जाता है। ओके। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि जब हम माँ से आज मैं बात कर रहा था तब मुझे बांग्लादेश की एक जो माँ थी उसका नाम था एलोरा, तो वो बांग्लादेश में हम लोगों को, हम हिंदी भाषिक तो कम ही रहते थे, तो उसमें से भी हमारा अच्छा कनेक्शन बन गया था उसके साथ और जो तीन चार बांग्लादेश से भाई लोग थे। लेकिन मुझे सबसे उस वक्त उसका डेयरिंग लगा कि वो मुस्लिम धर्म की होते हुए भी उसने स्वामी जी को इंटरनेट पे जान के कैसे कनेक्शन किया और आज उसका फल, जब स्वामी जी एक बीज भेजते हैं कहीं पे और उस बीज को कैसे वहाँ पे अंकुरित होके वो झाड़ देता है, तो उन्होंने इनको कैसे भेजा? हाँ, तो आप थोड़ा सा बिल्कुल या यहाँ पे मैं एक बात और ऐड करना चाहूँगी कि ये जो हिंदुइज्म है ये रिलीजन नहीं है। ये नहीं है, इट इज अ लाइफस्टाइल एंड पावरफुल थॉट करंट। यस, सनातन वैदिक हिंदू धर्म का जो पावरफुल थॉट करंट है और उसका उसकी सेंटर में जो माताएं है, नव दुर्गा है, जो आज हम यहाँ पे सेलिब्रेशन देख रहे हैं, ये पूरा वातावरण में आप देखिए कितना आज वहाँ पे सामने आपको दिखेगी ये नव दुर्गा और जो और फिर उसके बाजू में आपको लक्ष्मी और सरस्वती दोनों भी दिखेगी और उसके बाद गणेश जी और कार्तिकेय। तो ये सब जो है भारत सनातन हिंदू धर्म की लाइफस्टाइल जो थी, स्वामी जी बोलते हैं कि इट वॉज माता को हम माता प्रधान थी और पुरुष प्रधान नहीं थी, लेकिन पूरा धर्म ये भूल गया है। मदर इंडिया बोलते हैं लेकिन फिर भी वो अच्छी तरह समझ नहीं पा रहे हैं कि मदर को हम ऊपर क्यों मानते हैं, तो गंगा माता बोलते हैं या व्हाटएवर। तो माँ आप थोड़ा बताएं कि कैसे आप स्वामी जी से कनेक्ट हुए और बांग्लादेश में और कैसे यहाँ पे आपने डिसाइड किया कि ये एकदम दिल छूने वाली कहानी होगी ओंतु। एक्चुअली मुझे तो स्वामी जी के बारे में कुछ भी नहीं पता था। अगस्त तक आप बोल रही थी? हाँ, अगस्त ऑफ 2018। इलोरा दीदी ही मुझे पहले कुछ यूट्यूब का लिंक दिया, तो इलोरा दीदी मुझे बोला कि तुम ये देख, तो उसका जो लॉजिकल जो सत्संग है जो भी है, पहले दो तीन दिन तो मैंने खूब हंसा उसका, क्योंकि उसका बोलने की जो स्टाइल, हाँ, वो पूरा ही अलग है, इसलिए मैंने एक्चुअली हंसा। तो दीदी ने मुझे बोला हंसते रहो लेकिन देखते रहो। हंसते रहो लेकिन देखते रहो। चार दिन बाद मैंने बोला हाँ मुझे ना अच्छी लग रही है, सुनते हो? तो दीदी बोला हाँ सुनते थे। 7 दिन बाद मैंने बोला कि मुझे लगता है मुझे देखना मिलना चाहिए उनसे। तो दीदी बोला हाँ तू जा।
सिर्फ यही बोला कि तू जा, मुझे लगता है तुझे जाना चाहिए। उसके दो दिन बाद मैंने खुद दीदी को बोला, दीदी मैं जाना चाहती हूँ। तो फिर ये वीजा वगैरह, बांग्लादेश से इंडिया आने के लिए 1 साल का वीजा मिलते हैं, तो मेरा वीजा था, लेकिन वो एक्चुअली कुछ हेल्थ इश्यूज था, कुछ साइकोलॉजिकल इश्यूज था। आप माँ एलोरा से कैसे मिले वो भी बताया मुझे थोड़ा। दीदी, मैं 3 साल से बहुत ही बीमार था, बिस्तर पर था, 1.5 साल पैरालाइज था। पैरालाइज मतलब क्या? पैरालिसिस, वेस्ट से लेकर फीट तक मेरा नहीं चलती थी। ऑल द वे, यानी बेस्ट वेस्ट से लेके पूरा नीचे का एकदम। अच्छा, नहीं सकती थी। अच्छा। और मैं, मेरा दोनों हाथ में इससे ऊपर उठा नहीं सकती थी। खाना पीना तो एक्चुअली बाथरूम जाना कुछ भी मैं नहीं कर सकती थी। तो दीदी से मैं मिली जून, इस साल के जून में। तो दीदी मेरा रिफ्लेक्सोलॉजी थेरेपिस्ट है। अच्छा, थेरेपी लेने के 10 दिन। अच्छा, तो उन्होंने यहाँ से जाने के बाद ये रिफ्लेक्सोलॉजी सीखा या पहले से ही आ रहा था? दीदी एक्चुअली, हाँ दीदी, यहाँ से जाने के बाद रिफ्लेक्सोलॉजी की मैं पढ़ाएगी, लेकिन इसके पहले वो और भी कुछ पढ़ा था, इसके साथ रिलेटेड था जो। अच्छा, रिलेटेड था। तो एक्चुअली दीदी के थेरेपी से जब मैंने 10 दिन के अंदर खुद चलने सीख गया। हाँ, 10 दिन के अंदर। हाँ, तो 1.5 साल की जो पेशेंट थी वो 2.5 साल। अच्छा, और इसके हीलिंग और इसके इससे एकदम। इसीलिए दीदी मुझे जो भी बोलती है, दीदी अगर बोले कि तू एक